आज हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन शेखर, ये भी बोर्ड पेपर में हमेशा आता है क्लास 10 के विज्ञान के क्वेश्चन है साइंस का, और क्लास 10 में ये हमेशा आता है और बार बार बच्चे क्या कहते हैं गलतियां करके चले जाते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं होता क्या, ठीक है। और ये हमेशा आता है आपका क्लास 10th में, हर बार जब भी देखा जाए तो हमेशा इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा क्लास 10 में आता रहता है। क्वेश्चन से कि दूर दृष्टि दोष होने के मूल कारण क्या और इसका निवारण कैसे किया जाता है, मतलब जो दूर दृष्टि दोष होते हैं उनके मूल कारण क्या है और उसका निवारण कैसे किया जाता है। तो देखो, दूर दृष्टि दोष के मूल कारण से पूछा, कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि दूर दृष्टि दोष होने से ये वस्तु नहीं दिखाई देती है या फिर ये नहीं होता है, तो इनका मूल कारण पूछा कि मुख्यतः कारण क्या होते हैं, इनका निवारण कैसे किया जाता है। तो लिखा कैसे जाएगा हम देखिएगा, इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा देखिए, दो दृष्टि दोष होते हैं, एक तो होते हैं दूर दृष्टि दोष होते हैं, एक होते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, ध्यान से सुनना। दो दृष्टि दोष होता है, एक तो दूर दृष्टि दोष होता है और एक होते हैं निकट दृष्टि दोष। इन दोनों का अगर मूल कारण, अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों का मूल कारण क्या है, मूल कारण क्या है, दोनों का मूल कारण क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि दूर दृष्टि दोष होने के मूल कारण क्या है या निकट दृष्टि दोष होने के मूल कारण क्या है, तो इसको हम माइंड में याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, समझना कैसे हमको याद करना होगा, ध्यान से समझना। दूर छोटा है, दो अक्षर का है, इसमें गोला क्या बनेगा, छोटा बनेगा। निकट क्या है भैया, तीन अक्षर का है, बड़ा है, निकट, निकट शब्द बड़ा है कि नहीं, इसका गोला क्या बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। दूर दो अक्षर का है, गोला छोटा, निकट तीन अक्षर का, गोला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आंसर तो यहीं पे मिल गया होगा कि दूर दृष्टि दोष होने का जो मूल कारण होता है नेत्र का गोला, जो नेत्र का गोला क्या होता है वो छोटा हो जाता है, नेत्र का गोला क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और निकट दृष्टि दोष होने का जो मूल कारण होगा क्या होगा, नेत्र का गोलक बड़ा हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष होगा, निकट तीन शब्द में है तो इसका गोलक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तीन शब्द मतलब बड़ा शब्द है तो गोला क्या रहेगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब निकट दृष्टि दोष में नेत्र का गोलक बड़ा हो जाता है और दूर दृष्टि दोष में नेत्र का गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे कैसे, कहा है कि दूर दृष्टि दोष होने का मूल कारण क्या है, तो हम ऐसे हेडिंग डालेंगे अच्छे से कि दूर दृष्टि दोष के मूल कारण, दूर दृष्टि दोष के, ठीक है, दूर दृष्टि दोष के मूल कारण, ठीक है, ये हम ऐसे लिखेंगे। हमको तीन नंबर चाहिए तो थोड़े ऐसे लिखेंगे मूल कारण। तो क्या लिखेंगे कि दूर दृष्टि दोष होने का जो मूल कारण है नेत्र का गोलक, नेत्र का दूर दृष्टि दोष होने का यह दृष्टि दोष, यह दृष्टि दोष होने का मुख्य कारण यह है कि, कारण यह है कि नेत्र का गोलक छोटा हो जाता है। क्या है इसका मूल कारण, नेत्र का गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ध्यान समझिएगा, दूर दृष्टि दोष में जो नेत्र की गोलक होती है ना, जो उसकी गोलक होती है नेत्र का, मानव नेत्र लेंस की, तो गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है दूर दृष्टि दोष में, और निकट में क्या होता है, गोला बड़ा हो जाता है। तो नेत्र का गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब इसका निवारण की अगर बातें की जाए तो निवारण कैसे लिखेंगे, हेड डालेंगे निवारण, और निवारण में क्या लिखेंगे कि उचित फोकस दूरी वाला, ध्यान समझिएगा, उचित फोकस दूरी वाला, उचित फोकस दूरी वाला उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का, उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे, ध्यान समझिएगा, उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब उत्तर जो दूर दृष्टि दोष रहेगा इसमें निवारण के लिए, ध्यान समझिए, निवारण के लिए इसमें हम क्या करेंगे, निवारण के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तर लेंस। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करेंगे हम लोग, अवतल लेंस, अवतल। अब देखो एकदम आसान से, आप देखो याद करने के एकदम तरीका, हमने क्या कहा था, देखो दूर है, छोटा शब्द है, तो नेत्र का गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, नेत्र का गोलक छोटा हो जाता है। अब इसमें कौन सा लेंस लगेगा, तो ये भी ध्यान देना कि जो लेंस छोटा हो लिखने में, देखो उत्तर तीन अक्षर का है, उत्तर तो छोटा है, मतलब दूर भी छोटा शब्द है तो नेत्र का गोलक भी छोटा हो गया, इसके लेंस भी कौन सा लगा, छोटा लगा, जो तीन अक्षर का उत्तर लेंस। निकट बड़ा है, गोला भी बड़ा हो गया, इसके लिए कौन सा लेंस लगा है,
औतर जो वर्ड में क्या है बड़ा, देखो ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, और ये शब्दों में क्या है, ये भी बड़ा है। ट्रिक है याद करने के लिए, ये हमारे पेपर में हमेशा तीन नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तीन नंबर के हमेशा क्वेश्चन आएंगे। और गलत आप मत लिखिएगा, अब ऐसा मत लिखिएगा दो दृष्टि तो सोने से निकट की वस्तु दूर की वस्तु ऐसे नहीं दिखाई देता है, ये हमको नहीं लिखना। हमको लिखना है इसका मूल कारण क्या है वो लिखना है। तो मूल कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष होने का जो मूल कारण होता है, नेत्र लेंस का गोलक क्या होता है, नेत्र लेंस का गोलक छोटा हो जाता है। निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल। और सेम अगर क्वेश्चन हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष होने का मूल कारण क्या है, तो निकट दृष्टि दोष होने का मूल कारण जो है नेत्र का गोलक बड़ा हो जाता है, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो दूर और दृष्टि, निकट दृष्टि दोष दोनों का हमने कारण निवारण किया, ठीक है।